दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन पे जब इनकमिंग कॉल आती है उस टाइम पे रिंग के टाइम आपका फोन यहाँ पे वाइब्रेट नहीं होता है या फिर साइलेंट मोड पे वाइब्रेट नहीं होता है तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि अपने फोन की वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके भी फोन पे कॉल आते टाइम पे आपका फोन वाइब्रेट नहीं होता या फिर आप उसे साइलेंट मोड पे वाइब्रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि सिंपली सबसे पहले आप जिस कंपनी का भी फोन यूज करते हैं आपको सिंपली अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। अब मोबाइल की सेटिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, सबसे पहले आपको इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद आपको अगेन स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यानी कि इनकमिंग कॉल के टाइम पे जब आपकी रिंगटोन बजती है उस टाइम पे आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए। तो अगर आपका ये डिसेबल है तो आपको ऐसे इसको ऑन कर देना है तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अलावा जैसे कभी हम अपने फोन को साइलेंट कर देते हैं तो साइलेंट मोड में जब हमारे पास कोई कॉल आता है तो उस टाइम रिंगटोन तो हमने साइलेंट कर दी है लेकिन उस टाइम पे हम चाहते हैं कि रिंगटोन ना बजे लेकिन हमारा फोन वाइब्रेट हो ताकि हमें जेब वगैरह में पता चल सके कि हमारा कॉल आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप वाइब्रेट इन साइलेंट मोड वाला जो बटन है इसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद साइलेंट मोड में आपका वाइब्रेशन ऑन हो जाएगा। तो दो सेटअप तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से चलिए ब्रेक ले लेते हैं। अब एक सेटिंग में आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चार टैब देखने को मिल रही है, जनरल, विजन, हियरिंग और फिजिकल। तो आपको चले जाना फोर्थ नंबर वाली पे, यानी कि फिजिकल पे। अब फिजिकल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे भी नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, आपको इसको ओपन कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग वाइब्रेशन हमारा ऑन है, यानी कि रिंगटोन के टाइम पे हमारा वाइब्रेशन यहाँ पे आएगा। अब अगर आप अपने नोटिफिकेशन के टाइम पे भी वाइब्रेशन चाहते हैं कि जब भी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए तो आपका फोन वाइब्रेट करना चाहिए तो सेकंड वाले में जाके आप इसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि जब आप अपनी स्क्रीन पे टच करें किसी भी ऑप्शन पे उस टाइम पे भी वाइब्रेशन होना चाहिए तो आप इसको भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बस दोस्तों ये सारे सेटअप आपको कर लेना है तो आपके फोन की वाइब्रेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो एक बार आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करके देख लेना है और फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो दोस्तों आपके फोन में फिर किसी तरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू नहीं है, फिर आपके फोन में हार्डवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको शॉप पे जाकर या फिर सर्विस सेंटर पर जाकर आप अपने मोबाइल को रिपेयर कराना होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।